Hello friends, I am Richa. Welcome to my channel Maths with Richa. Today we are going to solve an exercise 2.3 of class 10 chapter number 2 polynomials. Okay, this is the first question. Is px given है और gx given है. ये दो polynomial given है जिसमें इस polynomial में इस polynomial से divide करना है और आपको remainder and quotient find out करनी है. ठीक है, देखिए कैसे divide करेंगे. x square minus का 2 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3. ठीक है, डिवाइड करिए. x की पावर 3 ये क्या है, x स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक x का मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3, इसका बराबर 2x. ओके, साइन चेंज करना है. माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 7x. नेक्स्ट, अब हम किसका करेंगे, ये माइनस का 3 है ना, माइनस के 3 का ही करेंगे. माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3 3 4 3 को जो 6, इस 3 को और डाल दिया. ठीक है, ये प्लस ये माइनस 7x माइनस का 9. ठीक है, ये पावर कब, इसकी डिग्री इससे कम हो गई, मैंने पहले ही बताया था. रिमाइंडर की डिग्री अगर आपके डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है तो वहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना. ठीक है, तो आपका जो कोसेंट है इसको हम किससे नोट करते थे, टू एक्स, कितना आ गया आपका एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर आर एक्स, वो आ गया 7x माइनस का 9. दैट्स योर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि ये वाला जो पॉलीनोमियल है वो इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो फैक्टर है और 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है. ठीक है, देखिए p स्क्वायर माइनस का 3 2t की पावर 4 प्लस t की पावर 3 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस का 90 माइनस का 12. ओके, देखिए सबसे पहले ये है t की पावर 4 है ना, 2t की पावर 4, तो हम करेंगे 2t की पावर 2 का, 2t की पावर 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 4 आएगा, फिर 2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 2 3 जा 6. ओके, माइनस प्लस ये आ जाएगा 3t की पावर 3 प्लस, ये प्लस का 6 है ये माइनस का 2 है तो 4 प्लस का 4t. ओके, अब देखते हैं इससे क्या हो गया, ये 3 है, 3 चाहिए ना मुझे, तो इसका मतलब प्लस का 3t, इससे करो 3t की पावर 3. ओके, 3t का इससे करेंगे तो माइनस, ये 3 इधर 9t माइनस का 9t ये रहा हमारा ऊपर से यहाँ तक. नेक्स्ट साइन चेंज करो, माइनस प्लस 4t स्क्वायर, ये माइनस का t है ये प्लस का t है, काट दीजिए 12, यहाँ से यहाँ लाइन ड्राइव कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट किसका करेंगे, 4 का करिए, 4 का t से करेंगे, t स्क्वायर से करेंगे 4t स्क्वायर, 3 से करेंगे तो माइनस का 12 माइनस प्लस. ओके, इससे ये कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब यस k square minus 3 is the factor of this polynomial. Okay? ये आपका बिल्कुल सही है, इसको राइट कर दीजिए. Now, question number 3. देखिए question number 3 में एक polynomial given है, उस polynomial के ये दो zeros given है, ठीक है? और other zeros इसके find out करने हैं, ठीक है? अब देखिए, जब ये इसके zeros हैं, okay, तो x की वैल्यू आई है ना, इसको x की तरफ लेके आएंगे तो माइनस का रूट 5 बाई 3 है ना, ये अपोजिट साइड जाएगा तो x प्लस का रूट 5 बाई 3 है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या गिवन होगा, x इक्वल टू रूट 5 बाई 3, तो हम इसको उधर लाएंगे रूट 5 बाई 3 इक्वल टू 0, ये तो राइट करेंगे इसको हम, है ना, वही मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है. ओके, देखिए जब ये जीरोस हैं तो ये जो है क्या होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ पीएक्स,
कौन सा पी एक्स, इस पी एक्स के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जब ये फैक्टर्स है तो ये भी तो होगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5/3। ये भी फैक्टर होगा इसका, बिल्कुल होगा, और आल्सो द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, अब देखिए ये फैक्टर आपको मिल गया, रिमेनिंग फैक्टर्स आपको यानी कि रिमेनिंग जीरो आपको निकालने हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इसका आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें ये जो पूरा पी एक्स है इस पी एक्स में। ठीक है, जो पी एक्स आपका क्या है, मैं पूरा रफ कर दे रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का इस पूरे में क्या करना है, मुझको डिवाइड करना है। आप देखिए ये 3 है, ये x की पावर 4 है, तो मेरे को क्या चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए, है ना। इसमें मल्टीप्लाई करिए 3x की पावर 4, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट 3 का इसमें करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5x स्क्वायर। ओके, माइनस प्लस 6x की पावर 3 ये आ गया, ये प्लस का 5, ये माइनस का 2, तो प्लस का 3x स्क्वायर। ओके, माइनस का 10x। ठीक है, चलो अब किसका मल्टीप्लाई करोगे, 6x की पावर 3 है तो प्लस 6x का। ठीक है, 6x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6x की पावर 3 माइनस, देखिए 5/3 में आप 6x का मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 × 5 = 10, तो ये आएगा 10x। ओके, माइनस प्लस 3x स्क्वायर, इसके x स्क्वायर को कुछ कोफिशिएंट है ही नहीं, है ना, मतलब कोई भी टर्म नहीं है इसका। नेक्स्ट प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल कर दीजिए, क्या रह गया आपका, माइनस का 5। आप देखिए 3 पॉजिटिव 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें करेंगे 3x स्क्वायर, 3 का इसमें करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 5/3 इसका मल्टीप्लाई किया मैंने कोसाइन में, डिवाइडर का मल्टीप्लाई कोसाइन में करते हैं, फिर प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, है ना, ये तो होता है डिविडेंड इक्वल टू, बट रिमाइंडर हमारा क्या है, जीरो गिवन है, है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 फैक्टर करिए, इसमें से 3 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ओके 3x स्क्वायर माइनस का 5/3 ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वल टू 0 राइट करते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये तो हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या है, इससे क्या निकलेगी एक्स की वैल्यू, माइनस का 1 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और इधर क्या आती है आपकी एक्स की वैल्यू, रूट 5/3। ठीक है, एंड माइनस का रूट 5/3 जो आपको ऑलरेडी पता है, ये तो आपको पता है, और ये है जो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट 2 जीरोस आपके ये हो गए। ओके, राइट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पी एक्स गिवन है, क्यू एक्स गिवन है, आर एक्स गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, जी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, तो आपका पी एक्स गिवन है, जी एक्स आपको फाइंड करना है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते, देखिए पी एक्स माइनस का आर एक्स, है ना, अपॉन क्यू एक्स, तो आपका जी एक्स निकल आएगा। देखो इसको मैं इधर लेके आई और इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आई, है ना, तो पी एक्स कितना है, x की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, आर एक्स कितना है आपका, माइनस का 2x प्लस का 4, है ना, अपॉन क्यू एक्स कितना गिवन है, x माइनस का 2, x की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 4, x माइनस का 2, ओके, x की पावर 3, 3x स्क्वायर, देखिए 1x 0, 1x 0,
ये 1, ये 2 कितना आ जाएगा आपका 3x एंड ये माइनस का 2, x माइनस का 2, यानी कि हमें x माइनस का 2 का हम अगर इस पूरे पॉलीनोमियल में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा gx निकल के, है ना। देखिए हमें करना है x माइनस 2 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, ओके। ये x है, ये x की पावर 3 है, इसको भी रख सकते हैं ना। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का, ओके। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x। अब किसका करेंगे माइनस के x का, इसमें करेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस x माइनस का 2, फिर करेंगे हम 1 का x माइनस का 2, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ओके। दैट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे दो पॉलीनोमियल लेने हैं जिसमें कि अगर हम डिवाइड करें तो जो डिग्री है पी एक्स की और क्यू एक्स की दोनों की सेम होनी चाहिए। हमें ऐसे दो पॉलीनोमियल लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पी एक्स लेते हैं 3x स्क्वायर 6x प्लस 3, ओके। अब देखिए हमें जो क्यू जी एक्स है वो हम क्या लेंगे, कोसेंट नंबर लेते हैं। क्यों, जब कोसेंट नंबर लेंगे तो उसमें हम जो हम डिवाइड करेंगे तो जो पॉलीनोमियल आएगा क्यू एक्स का वो और ये बिल्कुल सेम होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक्स ले लूँ, फिर मैं इसको कोसेंट का मतलब जो भी पॉलीनोमियल लूँ उसमें इसमें मैं सिर्फ एक्स का ही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तभी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें मैंने एक्स ले ली ऑलरेडी, इसलिए हमने एक कॉन्स्टेंट नंबर लिया। देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का कॉन्स्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कोसेंट होता है, तो कोसेंट की डिग्री और पॉलीनोमियल की डिग्री मतलब जो पी एक्स है उसकी डिग्री बिल्कुल सेम है ना, वही इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया है। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इसका लेंगे माइनस का 2x, 3 जो 6 ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 आएगा नेक्स्ट 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2x और ये है हमारा पी एक्स। तो डिग्री पी एक्स और डिग्री 2x की बिल्कुल सेम होगी, है ना। ऐसे ही इसके जो रिमेनिंग पार्ट है डू योर सेल्फ, हमें बस ये देखना है कि किसको वेल सेटिस्फाई करें। ऐसे तो एग्जाम्पल लेने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।